अरे प्याज है कि नौबत जी। वेलकम बैक गाइस। और असी 2 घंटे तो बाद जी इन्ना मैं इंटरनेट का शुक्रिया अदा करांगी कि इंटरनेट साडा साथ दे जांदा है, क्योंकि इन्ना इन्ना मिनट वास्ते नहीं हैगा इंटरनेट कि असी इन्ने इन्ने घंटे असी इन्हू लाइव रखिए। सो लो जी, पार्ट टू च तुहाडा स्वागत है अगैन। जिहड़े साडे स्रोते ने लिसनर्स ने वापस सानू ज्वाइन कर सकते हैं, असी इत्थे इहदा लिंक दे दिंदे आ। और मीन टाइम जुनेद जी वाटर ब्रेक ते गए ने, और असी असी जिहड़े साडे नाल तबला और ढोलकी वादक ने उन्हां नाल स्वागत करते हैं। हाँ जी, आप क्या सुनाने वाले हैं? कुछ कुछ और सुभान, आप तो गायब हो गए हैं जरा स्क्रीन में। कैमरे के आ गया हो भाई मेरे, कैमरे के आ गया हो थोड़ा सा। क्या एज, क्या उम्र, क्या तुम्हारी? मेरी 24। 24 के लगते नहीं हो भाई, 18 साल का लगता है। खाते क्या हो, कुछ खाते वाते हो कि नहीं? कुछ खाते? पीछे वाला तुम्हारा भाई है पिछला, तब जो ढोलकी पे है ना, तभी तो नहीं जैसे हो सिंगल हड्डी। ये मेरे भाई भी हैं और मेरे बहनों ही भी हैं। ओ वाओ, चलो जी वाओ, क्या बात है, डबल डबल रिश्तेदारी है। और जब लड़ाइयां हो जाए फिर बहन भी गुस्सा और बहनोइया भी गुस्सा। ऐसा नहीं हो। तुम्हारी शादी हो गई मेरे भाई? आ गए भाई, आ गए। हाँ जी, बुला लें। और लो जी, पार्ट टू दे विच अगेन हम एक बार टेस्ट कर लें कि साउंड हमारी अच्छा हो गया। एक छोटी सी ब्रेक हो गई आपके लिए भी, ब्रेक भी हो गई, और हम साउंड टेस्ट भी कर लें अभी कि मुझे क्योंकि इंटरनेट जी दो दो तीन तीन घंटों के लिए नहीं बना। ये बड़ी खुशनसीबी है कि फिर भी हमारा चल रहा है। और कोशिश करते हैं कि पिंकी पारस, अगर आप हमें देख रही हैं और बताएं अगर हमारी आवाज आ रही है आप तक। साउंड चेक 1 2, साउंड चेक हो रहा है जी। और check, देख रहे हैं कि हेलो जी, वेलकम बैक गाइस। और कुलदीप गिल जरा टेस्ट कर रहे हो तुसी कि आवाज साडी आ रही है कि नहीं। आलो हेडफोन नाल ट्राई करो। और कोशिश यही है जी साडा कि असी बेस्ट तो बेस्ट एंटरटेनमेंट तुहाडे लई लेके आईए। और घर च बैठे हैं, लॉकडाउन दे विच हां सारे, इंडिया च भी और यूएसए दे विच भी। स्टिल वी आर नॉट ओपन, ऑफिशियली ओपन, क्योंकि करोना वायरस हले भी है। और साड़ी कोशिश यही है कि जिहड़े घर बैठे सारी दुनिया जिहड़ी साडे वर्गी है म्यूजिक लवर है, उहनां नूं असी रॉ टैलेंट या रॉ एंटरटेनमेंट सामने लेके आईए। इस तरह नहीं कि जी लिप सिंक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि असी पहला प्री प्लान किया हो सारा कुछ जी। ऑन द स्पॉट है। लो जी, पाते हैं जुनेद जी वापस। जुनेद जी वापस तुहाडा स्वागत है। जस्ट जिहड़े साडे ऑडियंस है वह सानू जरूर दसे कि साडी आवाज़ आ रही है कि नहीं। जी आ रही है मुझे आपकी आवाज़। आ रही है, चलो अच्छी बात है। और पिंकी पारस, अगर आप ऑन एयर हैं तो जरूर कंफर्म करें एक बारी। और मैं सर जब तक कुलदीप, आप कुछ बात कर सकते हैं। जुनेद जी ब्रेक लेने गए थे, चाय वाय ले आते साथ में, कुछ चाय पी लेते थोड़ी सी। अरे नहीं, उसको चाय का वाय तो मैं ले आया।
भाई हम लोग साथ में ले लेकर घूमते हैं। हम पंजाबी है ना, खाना शाना खादा मतलब एक वर्ड ज्यादा लगाते हैं साथ में। अच्छा आवाज मुझे तो अब आ रही है आवाज। पिंकी पारस ज्वाइन कर सकते हो आप हमें? हाँ जी, अभी आप हमें गजल कुछ सुनाने वाले थे। जी मैं दरअसल जो गजल सुनाने वाला हूँ। हाँ जी, मेरा टिकटॉक पे विलियम के हिसाब से वो हिट हुआ है। हाँ, उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है। क्या बात, आप गजल की बात कर रहे हो या किसी की बात कर रहे हो? कुलदीप अच्छा। आपके राज खुलाने की कोशिश कर रहा है कुलदीप। मैसेज ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, लोगों के दिल टूट रही है, तो मैं मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि कहा जा रहा है या गजल सुनाई जा रही। तो मैं एक काम करता हूँ, जब तक सब लोग ज्वाइन करेंगे कर, हाँ, तो मैं एक एकता पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि अमेरिका में सब लोग मुझे सुन रहे हैं, कनाडा में, और जहाँ जहाँ भी बिल्कुल बिल्कुल जहाँ जहाँ भी लोग सुन रहे हैं, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, तो मैं एक मैसेज माई टीवी से पेश करना चाहता हूँ कि जो मेरे दिल की तमन्ना है। सिर्फ ईद के दौरान मैं ये दुआ मांगता हूँ कि तमाम मजहब के लोगों में प्यार और मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करे और हम सब एक हो जाएं और एक रहें। बिल्कुल, क्योंकि मुझे, मैंने जिस जो इससे पहले मैं बोल रहा था आपसे कि मुझे हर मजहब के लोग प्यार करते हैं, आप देख रहे होंगे इस पे लाइव में, हर मजहब का इंसान मुझसे जुड़ा हुआ है, प्यार करने वाले हैं। हाँ जी, मैंने क्रिश्चियन है, सिमरन कौर भी हैं बीच में, पंजाबी भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। सो अच्छी बात है, यही हमारे हिंदुस्तान की खासियत भी है। तो मैं ये गजल पेश करना चाहता हूँ जो काफी हिट हुई है, मेरे दोस्त सरफराज मुकदम ने मुझे दी थी, जिसको मैंने जश्न अदब इंडिया में फेस्टिवल में पढ़ा था। तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह वो गजल पेश करूंगा जो बहुत ज्यादा लोगों की फरमाइश रहती है और पढ़ना चाहिए भी मुझे। पहले ये एकता की लिए मैं गजल पढ़ना चाहता हूँ। कोई ऐसा
हिंदू मुस्लिम हो एकता, तुम्हें हर सिमत यही सदा। हिंदू मुस्लिम हो एकता, तुम्हें हर सिमत यही सदा।
हिंदू मुस्लिम हो एकता, तुझे हर सिंह यही सदा, मेरी रब से यही है दुआ, मेरी रब से यही है दुआ, मेरा भाग सलाम जबरदस्त। ऐसे ही आर्टिस्ट हमारे आवाम को सुनाते रहें इसी तरीके की बातें, तो मुझे लगता है कि ये हिंदू मुसलमान और जो भी आपस की और भी रिलीजन है उनकी लड़ाइयाँ ये ख़त्म हो जाएं और हम एक एक कंट्री के अंदर सब भाई बहन बनकर ही रहें और लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएं, बस यही दुआ है। एक एक बात तो कोविड ने प्रूव कर दी कि वो ना हिंदू देख रही, ना मुसलमान देख रही, ना क्रिश्चियन देख रहे, वो सबको सबको लपेटे में ले रही है। तो उसने बता दिया कि मैं एक हूँ, आप सब भी एक हो जाओ तो शायद छुटकारा मिल जाए इस चीज से। क्या बात है, जिंदाबाद। और बताएं हमारी ऑडियंस अब क्या सुनना पसंद करेगी, हमारी ऑडियंस एनी फरमाइश? अनुराग जी, खालिद जी, कैफ जी, मोहम्मद जी, माय गॉड, बहुत सारे लोग अभी अब हमें ज्वाइन कर गए हैं, थैंक यू बहुत बहुत। और आमीन लिख रहे हैं कि आपने जो मैसेज वो पढ़ रहे हैं, मैसेज आपने दिया जो वो सब लोगों ने बहुत अच्छे से, आई होप कि आप सारे आगे से इस मैसेज को जरूर फैलाएं ताकि हम एक अच्छा देश, एक अच्छी कंट्री, अच्छी ह्यूमैनिटी साबित 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 हों। मैं आपको एक बात बताता हूँ जुनेद साहब, जब से मैं अमेरिका में आया हूँ ना, तो यहाँ पर आके जो हमारी दोस्ती है, हिंदू मुस्लिम इंडियन पाकिस्तानी, हम इंडियन पाकिस्तानी की इतनी दोस्ती यहाँ पे कि हमें लगता ही नहीं कि वो दूसरे मुल्क से, हम दूसरे मुल्क से। अमेरिका में रह के ये खास बात सीखी हम, क्योंकि चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, इवेंचुअली हम इस देश के लिए देसी हैं, तो हम देसी बन के ही रह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कभी भी कोई मुठभेड़ या ऐसा कुछ नहीं देखा। नौशाद जी, आप क्या लिखना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आई। नौशाद अली खान, आपकी फरमाइश है तो प्लीज। जुनेद भाई, हक निभाना मेरे हुसन हुसैन का ही है। ओके, हुसैन का ही है, तो ये आप मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो पढ़ सकें वो भी पढ़ रहे हैं। और बस लाइट लाइट महाराज पर हम लोग कृपा। अब मौसम कैसे, बार फिर अभी भी तूफान चल रहा है क्या वहाँ पे? अभी बारिश का मौसम बना हुआ है। अच्छा, पड़ रही है। ये लोग, कुलदीप ने कहा चाय का जिक्र किया, चाय आ गई है उनकी। नहीं, भी बंद बेचारा 2 घंटे तो गा रहा है, चाय तो बंद ही है ना। पिछलों को भी पिला दो, उसको 2 बिस्कुट खिलाओ यार, तबले ढोलकी वाले को 2 बिस्कुट भी खिलाओ। देखो तुम्हारी तारीफ में लाइट भी आ गई है। भैया मैं खुद तबला बजाता ना हूं, तो मुझे तबले वाले की ज्यादा टेक केयर करनी पड़ती है। ये कुलदीप भाई, ये मेरा पिलर है, और ये दोनों भाई बल्कि सभी माशाल्लाह अपने एक बहुत से आर्टिस्ट हैं, रिहान सुबान और फयाज,
और आज हम 4 जने हैं वैसे माशाल्लाह, ग्रुप में हम 10-12 बंदे रहते हैं। अच्छा महेश जी, शीतल हॉलकर साहब, शाहिदीन, आसिफ भाई वगैरह सब आज नहीं। हैदर बहुत हसीन बैंजो प्लेयर है जो मेरे साथ बैंजो प्ले करता है। अल्लाह अच्छा ऐसा मौका लाए कि पूरा ग्रुप हो और हम सब आमने सामने बैठ के कोई मेमोरी करें। जरूर जी, बिल्कुल, जरूर ऐसा वक्त मुझे लग रहा है जरूर आएगा, जल्द आएगा। और हमारी तरफ से तो ज़रूर कोशिश रहेगी कि आप जैसे आर्टिस्ट को हम लोग यहाँ यूएसए में ज़रूर लेकर आएँ, ताकि जो हमारी लोकल ऑडियंस है वो भी आप आपसे क्योंकि रूबरू हो। अभी तो हम इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो असल में लाइव सुनने और देखने का मजा वो कुछ और ही है। सो जी, आपके लिए मैसेज जुनेद जी आ रहे हैं, आप मेरी फरमाइश पूरी करें। एंजल जी कह रही हैं, जिनको बड़ी तकलीफ हुई थी आपकी शादी की खबर सुनकर एंजल जी हौसला रखिए। अच्छा जी, नौशाद जी कह रहे हैं, मेरी प्यारी सिस्टर, हम तो आपके दीदार कर रहे हैं, मतलब थैंक यू भाई, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और कोई फरमाइश मेरे मेरे जहन में था एक, अब मेरे जहन से भी निकल गया, फरमाइशें पढ़ पढ़ कर। आप किसी और लैंग्वेज में भी गाते हैं कि सिर्फ? नहीं, पश्तो वगैरह गा लेते हैं या पंजाबी पंजाबी? पंजाबी आपसे गवाना पड़ेगा मुझे। पंजाबी का हम सुनाते हैं, वाह क्या बात है, उसमें उसमें रेहान भाई का ज्यादा साथ देते हैं। अच्छा उनकी पंजाबी ज्यादा अच्छी होगी, हाँ कब से जवाब ये दिया पंजाब में रहे। मैंने? हाँ बस उसको फतेह अली खान साहब को सुनकर जो भी याद हुआ, पंजाबी आती नहीं मगर गाने सीखो। क्या बात वाह, है। चलो कुछ पंजाबी हो जाए फिर, अगर याद है तो जरूर अगर पंजाबी, कुछ याद है। नहीं तो जो आपका दिल करे। आज की शाम हाँ आपके नाम। आवाज आ रही है यार? नहीं, मैं तो आवाज क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है थोड़ी सी, आप आगे हो सकते हैं अगर होना चाहें तो। वैसे आ रही है आवाज। ठीक है। क्या बात है, आपके सामने ईमेल जाना थकी दे रहा पेशेंट। श्योर, पंजाबी आती नहीं है मगर भविष्य कर रहा है, कोई वर्ड गलत हो जाए इधर उधर हो जाए तो समझ नहीं सका कोई क्या बात वही नहीं, कह रहे हैं। हमारी उर्दू इरशाद ऐसी करना है। इरशाद, हमेशा
रिहान ने एक मूड बना दिया है।
जुनेद जी और रेहान और सबकी एक्चुअली और मज़ा आ गया और पंजाबी शायद साडा अंग है पंजाबी जिहड़ी साडी जुबान है ते इहदे नाल सम हाउ असीं रिलेट होंदे आ और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स ने आजा ते प्लस जोगी ये दो नुसरत फतेह अली खान साहब दियां फेवरेट्स ने और बचपन च अखियां उडीकदियां साडे तों गवाया करदे सी मैं और मेरी छोटी सिस्टर दोनों जुगलबंदी क्या करते जो बच छोटे छोटे बच्चे से उदों की गल कर रही हैं हूँ तो साढ़े सुर नहीं लगते सुर इधर उधर भाग रहे होते हैं लेकिन मज़ा आ गया और आपने मुझे मेरी बचपन की याद दिला दी जब हमें उस्ताद लोग हमसे गवाया करते थे बड़ी खुशनसीबी है साड़ी उस्ताद नुसरत फतेह अली दे नाल असी टाइम गुजारिया गुलाम अली खान साहब नाल ते ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾ ਲਈਏ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਿਸਨਰ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਸਨਰ ਹਾਂ
और बहुत बारीकी दी गायकी पसंद करते हैं, और जदों तुहाडे वर्गे आर्टिस्ट देखते हैं तो दिल खुश हो जाता, बाग बाग हो जाता है। और जुनेद जी, आपकी एक खासियत है, आप कवालियाँ तो अच्छी गाते ही गाते हैं, लेकिन आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो आते हैं, वो भी क्या बात है। उसके लिए दाद देनी पड़ेगी जुनेद जी। शुक्रिया। और आज एक और क्वालिटी की बात आप में मुझे एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छी लगी कि आपने जो पंजाबी है तो आपने अपने जो साथ में संगत करने वाले को पूरा मौका दिया कि भाई हुण आ जा तू हुण अगे लग। सो बहुत कम लोगों में ये होता है। मैं जी, बोलिए बोलिए। मैंने बहुत कम लोगों में होता है कि दूसरों को मौका दूसरों दे। को मौका देना, चाहे साथ में भी ग्रुप होता है, लेकिन आप में मैंने ये अच्छाई देखी कि जो गा रहा है, जो बजा रहा है, जैसे सुभान पीछे से गा रहा है तो उसको भी दांत मिल रही है। सो ये आप में खासियत है, शायद यही रीज़न है कि आप इतने अच्छे सिंगर और एक दिन बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। एक्चुअली सर, मैं आपके चैनल से हर आर्टिस्ट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, हर हेड ऑफ द पार्टी लीडर से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उसके साथी में कोई खूबी है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। भाई जितने चराग उतनी रोशनी, अगर ये अच्छा गा रहे हैं तो उसमें नाम तो मेरा हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है, और ये सही ग्रुप उभर के सामने आ रहा है, और आप में वर्सटैलिटी नजर आ रही है। ये हमने ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब से और अपने दादा जाफर बदायूनी साहब से सीखा और देखा उनको, कि उन्होंने हर आर्टिस्ट को अपने, चाहे वो तबले वाला हो चाहे कोरस वाला हो, सबको मौका देते थे वो लोग, क्योंकि बिल्कुल जी, हर फूल की एक अपनी खुशबू होती है। ऑफ कोर्स तभी तो उसे गुलदस्ता कहा जाता है, जी बिल्कुल, उसमें बेशक हर जब रंग खूबसूरती बढ़ती है। खूबसूरती बढ़ती है। बहुत बहुत बढ़िया कहा आपने। और अब मुझे अब ये बताएं, कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, और हम तब भी बरकरार हैं, और हमारी ऑडियंस भी बरकरार है। थैंक यू गाइस, ईच एंड एवरी वन, जो हमें मैसेज डाल रहे हैं। आपको पर्सनली हम बाद में जाकर सबके जवाब देंगे। और अगेन, वंस अगेन पिंकी, पिंकी आपका शुक्रिया, आपने इतना अच्छा आर्टिस्ट हमें ढूंढ कर दिया। अब मैं जाते जाते, जुनेद जी, आप हमें लास्ट क्या सुनाने वाले हैं? कोई ऐसी, या एक दो भी सुना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, आपका अपना टीवी है। माई मतलब मेरा, माई हमने नाम इसलिए रखा है। मैं एक गजल बड़ी फेमस है मेरी, वो हाँ जी जो जरूरी समझता हूँ क्योंकि काफी आशिकाना लोग भी जुड़े हुए हैं। हाय हाय इधर। जुनेद जी, जी किसकी बात जी कर जी रहे हैं? भाई, किसकी बात कर रहे हैं अपनी आप? अपनी ये इसकी आशिकाना में। भाई मैं घर में बैठा हूँ तो अपनी सकता। ये तो है। पता चले सुबह की चाय बंद हो गई है। नहीं, मैंने बोला पता लगे सुबह की चाय बंद हो गई है। चाय बनाने वाले बहुत सारे हैं मेरे पास। तो खाना भी नहीं खाया। अच्छा ओ वाओ, बहुत लेट हो गया फिर तो, आपने खाना नहीं खाया तो हम अब का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप क्योंकि इरशाद करें। गाने से पहले हम लोग खाना नहीं खाते, बहुत कम ऐसा होता है। हमारे बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट है पंजाब के, दिलजान, दिलजान आपको वॉच कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। दिलजान जी बहुत अरे मेहरबान। वाह, ठीक है।
अरे मेरे माँ बाप ने
क्या बात है। आइए ये लास्ट नाइस पेश कर देता हूँ। बिल्कुल क्या बात है। बिल्कुल अब मैं चाहूंगा कि आप भी सर ढके मैं भी सर ढकूं जरूर जरूर Oh
का
कमाल, हमने शुरू भी अल्लाह के नाम से किया और ख़त्म भी उस ऊपर वाले के नाम से किया। हम यही कहेंगे कि हमारी आवाज़ आ रही है सही से? जी 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 आ रही है जी। बस यही दुआ करते हैं कि ये ग्रुप ऐसे ही चलता रहे और जुनैद भाई आप ऐसे ही गाते रहें, हमें एंटरटेन करते रहें और वक्त का पता ही नहीं चला, लाइट आई लाइट गई, इंटरनेट बंद हुआ इंटरनेट शुरू हुआ, उसका कोई हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। आपकी गायकी ने ऐसा बांध के रखा, समा बांध के रखा कि बस मज़ा आ गया। लाइट बिल बिल्कुल उसी तरह आई गई जिसे सुभान कैमरे के कभी आगे आ जाता है कभी पीछे चला जाता है। हंसते रहा करो मेरे भाई, हंसी सब कुछ है, खुशी ही सब कुछ है, चाहे किसी भी हालात में ऊपर वाला रखे, अगर आप खुश हैं पर खाते, साथ है, खाते कामियाब पीते रहा करो। हाँ। पर बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा है कि सुनने वाले और सुनवाने वाले और सुनाने वाले, हाँ जी, तीनों हम लोग, ऐसा लग रहा है कि हम एक ऑडिटोरियम में बैठे और गा रहे हैं। हम लोगों ने वही मूड बना करके गाया भी, जो भी हमने कलाम और जो गजल आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। और मैं उन सभी का, सुनने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 3-3.5 घंटे हमारे प्रोग्राम को सुना और तकरीबन कुछ लोग तो जुड़े ही रहे होंगे। हाँ जी, के कमेंट लगातार मैं नहीं देख पाया हूँ। एक एंजल जरूर जुड़ी है शुरू से लेके अभी तक। हाँ, एंजल का आपके साथ दिल जुड़ा है। एंजल एंजल जी आप अकेले नहीं है जिनका दिल जुड़ा है, हमारे सबका दिल जुड़ा है क्योंकि जो आर्टिस्ट है वो सबका सांझा है। हाँ। उसकी गायकी सबकी है, तो चाहे उसको आप भाई के रूप में देख लो, आशिक के रूप में देख लो, रब के रूप में देख लो, जो 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 आशिक है, आशिकी, आशिकी जरूरी नहीं कि एक मर्द के साथ की जाती है, आशिकी म्यूजिक के साथ हो सकती है, रब के साथ हो सकती है, गुरु के साथ हो सकती है। सो इसके तो बड़े रूप है प्यार के तो। हाँ, सुभान तुम्हारी शादी नहीं हुई राइट? नहीं अभी नहीं हुई है। लड़का कतार में है, कतार में, कतार मतलब लाइन में। जो लड़कियां उनको बोल सकता हूँ, आशिकी सुभान के साथ भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। अबे सो एंजल जी कवारा लड़का है एक ग्रुप में। सो बस इसी तरह आप लोग हंसते रहें और जो रब का नाम है, अल्लाह का नाम, जो आप शाम को जहाँ भी आप कीर्तन करते हैं या दुआ कवाली पढ़ते हैं, बस अगली बार दुआ में हम दोनों को जरूर याद रखना, माय टीवी को जरूर याद रखना, आप लोगों की दुआ से ही हम आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ मांगता हूँ कि परवरदिगार, हमने तेरे वलियों के, तेरे महबूब का नाम लिया है, हसनैन करीमैन का नाम लिया है, गरीब नवाज का नाम लिया है, छोटे बजरकार का, तमाम बुजुर्गान दीन के हमने नाम लिए हैं, तो उन नामों के सदक़े में, उनके प्यार के सदक़े में बस मालिक जी ये दुआ है कि जल्द से जल्दी ये बीमारी दूर हो जाए और लोगों के रोजगार के दरवाजे और मस्जिदों के दरवाजे और इबादत गाहों के जितने भी बंद हैं जल्द से जल्द खुल जाएं, क्योंकि वो द्वार बंद है तो अजीब सा सारे द्वार बंद है, उसका दरवाजा बंद है तो सब कुछ बंद है। सही बात। बस मालिक से मैं दुआ मांग रहा हूँ पूरी कायनात के लिए कि
एक आज मेरी सिस्टर ने मुझे एक बात बताई थी कि दुआ सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है, एक दुआ कि इंसान दुआ मांगे तो अल्लाह पाक, जब कुछ बहुत होता है कि एक दुआ जरूर मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में सुकून शांति चैन अमन अता फरमाए, बहुत खुश होता है परवरदिगार से। सही बात और हकीकत भी यही है कि नहीं पता किसके मुंह से आमीन निकल जाए, वो अल्लाह को बड़ा प्यारा महबूब है तो हम सबके बारे के न्यारे हो जाए। सही बात, बिल्कुल सही कहा। हम भी यही मानते हैं। हाँ हम सिखों में हम लोग अरदास बोलते हैं उसको, मतलब पाठ करने के बाद जी अरदास जरूर होती है। तो अरदास का हाँ मतलब यही होता है कि रब से जो मांगना आप उस वक्त उससे शिकवा कर सकते हैं, मांग सकते हैं, अपने दुख दर्द बांट सकते हैं। सो अरदास बहुत ज़रूरी है। सो वही चीज़ है दुआ, सेम चीज़ दुआ में भी वही ताकत है। चाहे आप जिस धर्म से भी हो, चाहे आप कोई सा भी रिलीजन फॉलो करते हैं, दुआ जरूर मांगे, अरदास जरूर करें कि रब हमें ऐसी मुसीबत से निकाले बाहर। चाहे आप इस तरह मांगे या आप इस तरह मांगे, लेकिन सबका भला मांगे। सही बात लेकिन है, मैं आपको सही ऐसे जाने नहीं दूंगी। आप मुझे वादा करें कि आप सोलो बहुत जल्द लेकर आएंगे कोई ना कोई। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि सूफिया इकराम की महफिलों में तो जाते ही हैं, वो इंशाल्लाह वो तो हमारी सनद है और वो पुश्तैनी है, जाते रहेंगे। मगर मैं इंशाल्लाह कुछ कोशिश में लगा हूँ कि नौजवान मुझसे बहुत उम्मीदें रख रहे हैं कि जुनैद भाई कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसपे हमें ऐसा भी लगे कि हम अपने जुनैद भाई की गजल पे हमने डांस भी कर क्या लिया। बात नहीं, तो बिल्कुल। मैं क्योंकि आर्टिस्ट का काम है हर किसी को खुश रखने का, हर फल मौला कही था जनू। तो चलो कुछ सोनो सोलो गाने बहुत जल्दी अल्लाह ने चाहा तो आप लोग दुआ करें, हम लेके बिल्कुल। आने वाले और हैं। MyTV का 50% प्लेटफॉर्म, तैयारी। MyTV का प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है 24 घंटे। जब भी आपकी कोई नई CD, गाना या जो भी कलाम, कोई भी आप निकालें तो MyTV उसको प्रमोट करने के लिए हाजिर है। इंशाल्लाह एक माई टीवी से ही एक गाना रिलीज करके जिसका लोगो ही माई टीवी का लगा हो। क्या बात है, एनी टाइम थैंक यू वेरी एनी मच सर। टाइम। वो हमारा हमारे प्रिविलेज होगा, हमारा ऑनर होगा, वो बिल्कुल करेंगे। चलो जी, अब इसी बातों के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं। और जो हमारे साथ सारे के सारे ऑडियंस जुड़ी हुई है, उनका तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन पिंकी पारस जी का बहुत बहुत थैंक यू कि जो इतने बेहतरीन आर्टिस्ट ढूंढ ढूंढ के हम तक पहुंचा रही है और हम इनको आगे दुनिया तक पहुंचा रहे बिल्कुल, हैं। ये हमारा रमज़ान और ईद महीना, हमने जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन हैं दुनिया में, जहाँ जितने भी वसदे ने, उन्हें सारे वास्ते डेडिकेटेड सिगा। तो बहुत सारे लोग जिहड़े साडे फ्रेंड्स ने, स्पेशली मुस्लिम मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो उनका थैंक यू आया है कि ये हमने उनके लिए मंथ उनके लिए दिया है। हमारी आवाज़ आ रही है सही जुनैद भाई? बिल्कुल 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 मैं सुना तो हूँ। हम फिर अलविदा लें। जी, मैं बिल्कुल ये आप कहना चाहूंगा उन मुस्लिम से, उन सिख से, ईसाई और जितने भी मजहब के लोग जुड़े हुए हैं हिंदुओं से, कि जो लोग आपस में भेदभाव रखते हैं बिल्कुल ना रखें, हम सब एक हैं और एक रहें, इंशाल्लाह एक रहेंगे। और जिनको देखना है वो ये माई टीवी का ये प्रोग्राम देख लें, ठीक है, बस थैंक यू, ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एकता देखनी है वो इस चैनल को देख सकते ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह बिल्कुल मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, साथ में गाते रहें और चाय पीते रहें। सो मोनी गिल की तरफ से और कुलदीप की तरफ से हम अलविदा, सत श्री सत अकाल श्रीकाल, बुलाते हैं। रब और राखी। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी जुनेद जी के साथ किसी अलग रंग रूप में। सलो जी, सत श्री अकाल, रब रखा, सत श्रीकाल, खुदा हाफिज, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। लो जी, ये ओहो साढ़े जी बड़े ही जबरदस्त फनकार, और मैं जदों इस तरह की गायकी सुनती हाँ बहुत खुशी महसूस होती है। ट्रस्ट मी, मेरी भुख प्यास सब आर्टिस्टां दी तां बेचारियां दी ऑलरेडी भुख प्यास मिट्टी हुंदी है, क्योंकि उन्होंने गा के फिर खाना हुंदा है, क्योंकि खा के गाया नहीं जांदा। और साड़ी मैं मेरी जिहड़ी भुख है म्यूजिक,
ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਪਿੰਕੀ ਪਾਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ ਔਰ ਪਾਪਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅੰਸ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਜਿਸ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਕੇ ਆਪ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਐਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਨ ਗਾਉਂਦੇ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਤਾਨੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਮੁਨੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਥਰਸਡੇ। ਸੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful, because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you. Ram G Astrologer, everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ram G is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Phone number is 571-551-8142. Email is ramgastrologer@yahoo.com.